आप तस्वीर में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग पालन नहीं करवाया जा रहा है, यानी कि लॉकडाउन का धजियां उड़ाया जा रहा है। इस मौके पर प्रशासन कहाँ है? माननीय श्री नीतीश कुमार जी लॉकडाउन बिहार में लगाए हैं। माननीय श्री नीतीश कुमार जी, ये क्या है, कुछ बताने की कृपा करेंगे क्या आप? अगर एक बच्चे को कोरोना हुआ तो सारे लोगों को कोरोना हो जाएगा। सरकार चाहती है कि मर जाए सबके सब। वहाँ देखिए क्या नजारा है सोशल डिस्टेंसिंग का। आप लोगों को डर नहीं लग रहा कोरोना से? बहुत लग रहा है, बट एडमिशन लेना भी तो जरूरी है। डर तो लग ही रहा है लेकिन एडमिशन लेना भी जरूरी। ऑनलाइन अप्लाई होता, सब कुछ होता, ऑनलाइन सिस्टम रहता, तब तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। इस कॉलेज में सबसे बड़ा एक बीमारी है, बीमारी है वह जानिए आप। 173 बच्चा का नामांकन रद्द कर दिया गया है। 173 वो बच्चे हैं जिसकी भविष्य टिकी हुई थी इस कॉलेज पर, लेकिन यहाँ के आला अधिकारियों के द्वारा जो खेल किया गया है, ये मैं नहीं यहाँ के स्टूडेंट बताएंगे। ये इंटर काउंसिल चेयरमैन के पास गए, वहाँ उनके पदाधिकारी के द्वारा बोला गया कि इन लोग आंदोलन करने आया है, गाड़ी चढ़ा दो। हम कहते हैं आनंद किशोर तुम्हारा क्या मजाल है, तुम एकमात्र नौकर सा हो और ये बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। यही बच्चे एक दिन आने वाले देश के बागडोर संभालेंगे, यही बच्चे आने वाले समय में बागडोर संभालेंगे। तुम एक नौकर सा हो, तुम्हारी मजाल कैसे है? हम तुमको चैलेंज देते हैं, तुमको उस पद पर बैठने नहीं देंगे। अच्छा एक चीज बताइए, जब आपसे भूल हो गई तो बच्चे जब 11th में यहाँ पढ़ लिए, डायरेक्ट 12th में कहीं एडमिशन होता नहीं है, तो बताइए इनका एक साल बर्बाद हुआ। और साथ ही साथ ये 3,000 रुपए जो इन्होंने जमा किए हैं वो भी इनका गया। और सर मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि इस महाविद्यालय में जितने भी पढ़ने वाले लोग हैं एकदम निम्न स्तर से आते हैं, गरीब स्तर के हैं। और ये दोहरी मार, एक तो कोरोना की मार है और दूसरी इनके साथ आर्थिक रूप से भी इनको प्रताड़ित किया गया। न इनका पैसा वापस किया जा रहा है, न रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था। शिक्षा मंत्री जी, बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि न्याय चाहिए, इन पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। क्या बिहार में शिक्षा का निर्माण इसी तरह से हो रहा है? क्या बच्चा इसी तरह से पढ़ाई करेंगे? बच्चा पढ़ाई करेंगे कि आंदोलन करेंगे? यह है बिहार में शिक्षा की स्थिति। और यह नजारा देखिए रामकृष्ण द्वारका महाविद्यालय का। आनंद किशोर मुर्दाबाद। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज और मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस वक्त मैं रामकृष्ण द्वारका महाविद्यालय लोहिया नगर पटना 20 आया हुआ हूं। आप तस्वीर में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग पालन नहीं करवाया जा रहा है, यानी कि लॉकडाउन का धजियां उड़ाया जा रहा है। इस मौके पर प्रशासन कहाँ है? माननीय श्री नीतीश कुमार जी लॉकडाउन बिहार में लगाए हैं। माननीय श्री नीतीश कुमार जी, ये क्या है, कुछ बताने की कृपा करेंगे क्या आप? ये वो बच्चे हैं जो अपने नामांकन के लिए कॉलेज आए हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग, क्या इसी के लिए लॉकडाउन लगाया गया है? क्या लोग, गरीब लोग मर रहे हैं, कोरोना की महामारी है, कोरोना का कहर जल रहा है पूरा शहर, लेकिन शहर का नजारा देखिए आप। आप लोग किस लिए आए हुए हैं? एडमिशन करवाने के लिए आए हुए हैं। ऑनलाइन व्यवस्था नहीं किया गया है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं किया गया है। कब से खड़े हैं आप यहाँ पर? लगभग आधा घंटा से ऊपर हो गया। आधा घंटा से ऊपर हो गया है? हाँ। आप लोग भी? यस, एक घंटा से ऊपर यहीं पे खड़ा है। आगे भी लाइन नहीं बढ़ रहा है। आगे नहीं बढ़ रही है लाइन? आप लोग एडमिशन करवाने के लिए आए हैं? हाँ, ऊपर से यहाँ पे एक ही लाइन है, सारे आर्ट साइंस कॉमर्स सबका एक ही लाइन है, बॉयज का एक ही काउंटर खुला है और बाकी करते नहीं। ऊपर इतना धीरे धीरे काम हो रहा है, हम लोग को गर्मी में इतना खड़े और बीच में भी सब लग जा रहे हैं। आपको कोरोना से डर नहीं लग रहा है? कोरोना से बहुत डर लगता है। आपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया है? उस तरह से भीड़ लगा हुआ तो कैसे कर सकते हैं? जी हाँ, भीड़ लगी हुई है और सोशल डिस्टेंसिंग का देखिए क्या नजारा है। यहाँ पर कुछ अभिभावक हैं, इनसे जानते हैं। एक तरफ कोरोना की महामारी, दूसरी तरफ लॉकडाउन और तीसरी तरफ ये भीड़, क्या कहेंगे आप? 12 बजे काउंटर खुला है, 12 बजे के बाद काम स्टार्ट हुआ है और सरकार तो चाहती ही है कि सब मर जाएं। अगर एक बच्चे को कोरोना हुआ तो सारे लोगों को कोरोना हो जाएगा। सरकार चाहती है कि मर जाए सबके सब। और एक ही काउंटर है? और एक ही काउंटर है, इतने बच्चे हैं और एक ही काउंटर है। अभी एक घंटे से लगा हुआ धूप में सारे बच्चे धूप में खड़े हैं, अभिभावक और सारे छोटे छोटे बच्चे धूप में बीमार पड़ जाएंगे, खड़े खड़े धूप में बीमार पड़ जाएंगे।
सर देख सकते हैं तबाही की। अब कैसे सर, 3 घंटे से मैं खड़ा हूँ लेकिन अभी तक लाइन नहीं बढ़ रहा। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, प्रशासन तो ध्यान ही नहीं दे रहा। यानी कि बिहार में बहुत ही लॉकडाउन किस तरह का लगाया गया है। आप देखिए ये बच्चे पढ़े लिखे हैं, आप लोगों को डर नहीं लग रहा कोरोना से? बहुत लग रहा है, बट एडमिशन लेना भी तो जरूरी है। डर तो लग ही रहा है लेकिन एडमिशन लेना भी जरूरी। ऑनलाइन अप्लाई होता, सब कुछ होता, ऑनलाइन सिस्टम रहता तब तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। और कॉलेज में भी तो हो रहा है बट ऑनलाइन हो रहा है या ऑफलाइन है, इस वजह से इतना देखने को मिल रहा है। देखिए हम कैमरा मैन से चाहेंगे थोड़ा काउंटर पर फोकस कीजिए, वहाँ देखिए क्या नज़ारा है सोशल डिस्टेंसिंग का। आपने क्या बात किया है? ये देखिए सब जगह ऑफलाइन नहीं हो रहा है, यही हो रहा है। जी हाँ, एक तरफ कोरोना की महामारी, दूसरी तरफ लॉकडाउन और तीसरी तरफ जो हमने दृश्य दिखाया बहुत ही भयावह दृश्य है राजधानी में, जो देख सकते हैं विधि व्यवस्था के नाम पर क्या हो रहा है। इसी बीच इस कॉलेज में सबसे बड़ा एक बीमारी है वह जानिए आप। 173 बच्चा का नामांकन रद्द कर दिया गया है। 173 वो बच्चे हैं जिसकी भविष्य टिकी हुई थी इस कॉलेज पर, लेकिन यहाँ के आला अधिकारियों द्वारा जो खेल किया गया है ये मैं नहीं, यहाँ के स्टूडेंट बताएंगे कि 173 बच्चों के साथ क्या किया गया है। बताइए 173 बच्चों को जो नामांकन रद्द हुआ कारण क्या है? इसका सीधा सीधा कारण ये है कि ये कॉलेज प्रशासन और प्राइवेट संस्था दोनों मिली भगत कर पैसा कमाना चाहता है, और इस पैसा का कमीशन सीधा सीधा आनंद किशोर और नीतीश कुमार के साथ जाता है। इसीलिए वो जो आज इतना जब बच्चे हमारे आंदोलन करने के लिए भी उतारू हैं तो उनके आंदोलन को दबाने के लिए छात्रों के दो गुट के बीच में लड़ाई लगवाया जा रहा है, बजाय कि समस्या का समाधान करने के, बजाय कि 173 बच्चे के जो रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ है उसको पुनः बहाल करने के बजाय आज लड़ाई लगवा दिया गया। आज कुछ भी अनिश्चित घटना घट सकता था, आज हमारे आंदोलन जो लगातार पिछले 4 महीना से भूख प्यास गर्मी बरसात झेलकर हमारे युवा नाजुक कंधा जो इतना बड़ा आंदोलन, जो पूरे शिक्षा को सुधारने का आंदोलन चला रहा है, भ्रष्टाचार से लेकर जो कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता है उसका आंदोलन हम लोग चला रहे थे, लेकिन आज के आंदोलन को वो असामाजिक तत्वों के द्वारा, कॉलेज प्रशासन के द्वारा असामाजिक तत्व को घुसवाकर आज के आंदोलन को दबाया गया और कोई आश्वासन नहीं मिला है। ये बच्चे अभी भी आपको मैं आंदोलन के बारे में जानकारी दे दूं, अभी मैंने प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश किया लेकिन इस कॉलेज के जो प्रधानाध्यापक हैं, जो मालिक है, अपना नंबर को इंगेज रखे हुए हैं। इंगेज इसलिए रखा गया है कि हमारे सवाल से वो बच रहे हैं। वहीं पर मैंने यहाँ के जो आला अधिकारी उनसे मैंने बात किया, उन्होंने बताया जो बच्चे का जो नामांकन रद्द किया गया वो मानवीय भूल से 173 बच्चों का भविष्य अंधेरा में चला गया है। इसकी जवाबदेही इन लोग के पास नहीं है, वो खुद बोल रहे हैं कि 173 बच्चों का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सोच सकते हैं, एक तरफ माननीय श्री नरेंद्र मोदी नई शिक्षा नीति लागू करते हैं, बच्चे पढ़ेंगे देश का निर्माण होगा, 173 बच्चे भविष्य क्या होगा, क्या होगा भविष्य उसका? देखिए इस सारा भविष्य जो है, भविष्य को लेकर हमारे बच्चे एकदम उनका रोमा कुहका हुआ है। ये दर दर ये इंटर काउंसिल चेयरमैन के पास गए, वहाँ उनके पदाधिकारी के द्वारा बोला गया कि इन लोग आंदोलन करने आया है, गाड़ी चढ़ा दो। हम कहते हैं आनंद किशोर तुम्हारा क्या मजाल है, तुम एकमात्र नौकर सा हो और ये बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। यही बच्चे एक दिन आने वाले देश के बागडोर संभालेंगे, यही बच्चे आने वाले समय में बागडोर संभालेंगे। तुम एक नौकर सा हो, तुम्हारी मजाल कैसे, हम तुमको चैलेंज देते हैं, तुमको उस पद पर बैठने नहीं देंगे। और यहाँ पे प्रिंसिपल को जब तक प्रिंसिपल निदान नहीं कर देता है ये कॉलेज में, हम बच्चों पर तुम जितना भी जुल्म सदम क्यों ना कर लो, हमारा हड़ताल हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जी हाँ, आंदोलन इनका जारी रहेगा। यह जो हुआ है 173 बच्चों के साथ जिंदगी के साथ खेला गया है, अब आप लोग क्या करेंगे? सर हमने इवन फर्स्ट डे से मैं 2 महीने से ये चल रहा था आंदोलन, मैं फर्स्ट डे से आंदोलन में लड़कों लोग के साथ हूँ। फर्स्ट डे हम प्रिंसिपल से बात की है कि सर एक चीज़ बताइए, जब लड़का 2227 रुपये का यहाँ एडमिशन लेता है और साथ में फिर रजिस्ट्रेशन कराता है 740 रुपये का, ये मोटी रकम लेने के बाद आप बोलते हैं कि बच्चों, जब कॉलेज बच्चे आते हैं रजिस्ट्रेशन कार्ड लेने के लिए तो इनको रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं दिया जाता है, कहा जाता है हमारी भूल है। अच्छा एक चीज़ बताइए, जब आपसे भूल हो गई तो बच्चे जब 11th में यहाँ पढ़ लिए डायरेक्ट 12th में कहीं एडमिशन होता नहीं है, तो बताइए इनका एक साल बर्बाद हुआ। और साथ ही साथ
ये 3000 रुपए जो इन्होंने जमा किए हैं वो भी इनका गया। और सर मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि इस महाविद्यालय में जितने भी पढ़ने वाले लोग हैं एकदम निम्न स्तर से आते हैं, गरीब स्तर के हैं, और ये दोहरी मार, एक तो कोरोना की मार है और दूसरी इनके साथ आर्थिक रूप से भी इनको प्रताड़ित किया गया। ना इनका पैसा वापस किया जा रहा है, ना रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था। सर फर्स्ट डे से हम अनंत किशोर के पास, मैं खुद गया था बच्चों के साथ, अनंत किशोर के यहाँ गार्ड बोलते हैं यहाँ से भागो, भगा दिया। ऊपर से मैं वहाँ जब आंदोलन पे नीचे बैठ गया था, ऊपर से फोर व्हीलर मुझे चढ़ाने के लिए धमकी दिया गया कि अगर तुम नहीं यहाँ से हटे तो हम तुम्हारे पे गाड़ी चढ़ा देंगे। ये प्रत्यक्ष रूप से बच्चे हैं, पूछ लीजिए आप। शिक्षा मंत्री जी, बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि न्याय चाहिए, इन पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। क्या बिहार में शिक्षा का निर्माण इसी तरह से हो रहा है? क्या बच्चा इसी तरह से पढ़ाई करेंगे? बच्चा पढ़ाई करेंगे कि आंदोलन करेंगे? यह है बिहार में शिक्षा की स्थिति। यह नजारा देखिए रामकृष्ण द्वारका महाविद्यालय का। नीतीश कुमार होश में आओ, आनंद किशोर मुर्दाबाद। सारा लोग आवाज लगाइएगा। टेक्निकल बात यह है कि जब 172 लड़कों लोग का यहाँ से रसीद भेज दिया गया है तो उसको त्रुटि को सुधारना चाहिए था। और ये समय अवधि सर 2 महीने का अवधि था। अगर वो सुधारने की उनकी मंशा होती तो ये 2 महीनों में सुधार देते हैं, क्योंकि ये 2 महीनों से आंदोलन चल रहा है और हम प्रत्यक्ष रूप से जाते हैं कॉलेज के बजाबते, हमने लेटर भी भेजवाया है। तो सर इनको सुधारने का मंशा नहीं है, ये लड़कों को वंचित रखे सारे चीज़ों से। जब अधिकार मांगने छात्र जाते हैं तो आप गाड़ी चढ़वाने की बात कर देते हैं। अब बताइए सर, हमारे जैसे गरीब छात्र कहाँ जाएंगे, किस दर दर की ठोकरें खाएंगे? और कोरोना के महामारी में कुछ बच्चे तो दरभंगा और ये से आते हैं, अब यहाँ स्टेशन पे सोने पे मजबूर है। कोरोना जैसी समस्या में कोई इनको रिश्तेदार भी घर सोने नहीं दे रहा है, बैठने नहीं दे रहा है। जी हाँ, समस्या काफ़ी विकट है रामकृष्ण द्वारका महाविद्यालय में। और यहाँ के बच्चे लगातार आंदोलनरत हैं, प्रयासरत हैं कि यहाँ किनको इंसाफ मिले। जहाँ तक आज हमने आपको दिखाया रामकृष्ण द्वारका महाविद्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग जिस तरह से धज्जियाँ उड़ाया जा रहा है, वहीं पर 173 बच्चों का भविष्य लटक गया है। 173 बच्चों का भविष्य क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, अगर विद्यार्थियों का दर्द आपको समझ में आ रहा है, तो यह वीडियो माननीय श्री नीतीश कुमार, माननीय श्री अनंत किशोर को दिखाने का कष्ट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।